वेलकम टू एग्रीकल्चर बाबा फ्रेंड्स। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है जिंक। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जिंक क्या है और उसकी कमी के लक्षण पौधों में किस प्रकार दिखते हैं और उसके फायदे क्या क्या हैं और जिंक को उपयोग में लाने की विधि आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे इस चैनल पर अभी नया हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जिंक एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों में से एक है जो पौधों के प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक एंजाइम को सक्रिय करने के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। इफको जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट फसलों में जिंक की कमी को रोकता है और उसे ठीक करता है। ये इफको का जो मोनो जिंक आता है इसमें जिंक 33% और इसके साथ साथ सल्फर 15% की मात्रा इसमें होती है। दोस्तों आप जानेंगे जिंक की कमी से पौधों में किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। पौधों की वृद्धि दर कम हो जाती है। जस्ते की कमी आमतौर पर छोटी पत्तियों पर दिखाई देती है। मक्का की पत्तियों पर सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं जो बाद में कत्थई हो जाते हैं। बालियां देर से आती हैं और फसल देर से पकती है। धान में पहले धब्बे नज़र आते हैं जो बाद में कत्थई हो जाते हैं। यह धान का खैरा बीमारी कहलाता है। जस्ते की कमी को जिंक सल्फेट से दूर कर सकते हैं। दोस्तों आप जानेंगे जिंक के फायदे के बारे में। दोस्तों यह फसलों को हरा रखता है, फसलों में जिंक की कमी को सुधार करता है, पौधों में तना वृद्धि को बढ़ाता है, विशेषकर तिलहन फसलों में फसल के पैदावार को बढ़ाता है, एंजाइम और संयंत्र प्रोटीन गठन के लिए आवश्यक होता है, जड़ों में नाइट्रोजन को स्थिर करने में मददगार होता है। हमारा लास्ट टॉपिक है इसकी उपयोग और विधि। दोस्तों इसकी विधि इस प्रकार है। उर्वरकों का उपयोग फसल चक्र स्थान अनुपात और समय को देखते हुए किया जाना अति आवश्यक होना चाहिए। जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट बुआई के समय और खड़ी फसलों में लगाया या दिया जा सकता है। उर्वरकों को 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बुआई के समय मिट्टी में सीधे लगाया जा सकता है और यदि आवश्यक हो तो अनाज की फसलों के लिए 40 से 45 दिन या 25 से 30 दिन के अंतराल पर एक समान खुराक दी जा सकती है। यदि फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के लिए पत्ता स्प्रे विधि का उपयोग किया जाता है तो 203 ग्राम जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट के साथ 2.5 ग्राम चूना या 10 ग्राम यूरिया प्रति लीटर पानी में अच्छी तरह मिलाया जाना चाहिए और वानस्पतिक वृद्धि के बाद पहले या दूसरे सप्ताह में पत्तियों पर सीधे छिड़काव करना चाहिए। दोस्तों आप ये सामने देख सकते हैं जिंक फर्टिलाइजर इफको का है। ये इफको का जिंक फर्टिलाइज़र यानी जिंक उर्वरक 33% है। इसमें देखिए दोस्तों जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट इसका पूरा नाम होता है। जिंक जो है आपका 33% है और सल्फर 15% इसमें डाला गया है और इसका ग्रास वेट नेट जो वेट है इसका 1 किलोग्राम है और इसका अभी का जो प्राइस है 125 रुपये प्रति केजी की दर से मिल रहा है। दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग खेती बाड़ी से जुड़ी ही जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।